हेलो दगड़ियों, की हालचाल। हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो आज का व्लॉग मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे से मैं कोमल को कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रही। उसने साइलेंट कर दिया होगा अपना कॉल। तो अभी देखते हैं, मैं उसके घर जाती हूँ। उसके बाद आज मेरा बर्थडे है तो आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे स्कूल की बिल्डिंग है, पीछे साइड की बिल्डिंग है। स्कूल बहुत बड़ा है आगे को, पर ये पीछे की है। और अभी हम कोमल के घर जा रहे हैं। तो मैं कोमल के घर पहुंच चुकी हूँ। मैं से 4:30 बजे से फ़ोन लगाए थे और ये इसका फ़ोन साइलेंट था। तो बर्थडे वाले दिन मैं इसके घर गई ताकि मेरे को विश करे, और ये सोई हुई है। अरे सोई हुई है, मैंने इसे मार मार के उठा दिया। और ये सपने में थी अभी अपने, शुक्र है मैंने इसे उठा दिया। तो आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब इसे नहाना होगा। मैंने तो नहा धो के आ गई सुबह से ही तैयार होके मैंने नए कपड़े नहीं खरीदे थे, मैंने ये वाला नया वाला टॉप को पहन लिया और बाहर से ही पहन ली। ये रोज सुबह उठ के पूजा करती है। ये मैं बोले हैप्पी बर्थडे बोल रहे, थैंक यू बोले, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हम कोमल के घर पूजा करके अब शिव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये कोमल आगे को जा रही है साइकिल में दूध लेके, और मैं प्रसाद वरसाद लेके पीछे इसके साइकिल में ही हूँ मैं भी। और हम शिव मूर्ति पहुँच चुके हैं। ये शिव मूर्ति महपालपुर न्यू दिल्ली में, बहुत ही सुकून भरा प्लेस है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। तो हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। और ये कोमल पूजा कर रही है। पूजा के दौरान कोमल के सामने कोमल का दोस्त आ चुका है कोमल को हाय बोलने के लिए, और हाय बोल के वो चल दिया। तो ऐसे ही कोमल के दोस्त मिलते रहते हैं उसको बहुत सारी जगहों पर, तो ये नॉर्मल बात है हमारे लिए। तो आप लोग देख सकते हैं शंकर जी की मूर्ति के साथ साथ ही यहाँ पर गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय और नंदी जी की मूर्ति भी है। और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ यहाँ पर लगाए हैं। और सामने राम सीता जी और राधे कृष्णा जी की मूर्ति भी है, जो कि बहुत ही प्यारी बनाई गई है। और हमने पूजा भी कर ली है, अभी हम वीडियोस में आपको दिखाएंगे आगे। ये देखिए, हम यहाँ पे बचपन में आया करते थे खेलने के लिए, क्योंकि हमारे साइड में एक ही पार्क हुआ करता था, मंदिर यार। मंदिर, हाँ, मतलब हमारे तो पार्क टाइप भी हुआ, मंदिर टाइप भी हुआ। बैक साइड में किसने, और यहाँ पे इनमें से इनकी जटाओं में से ना रात के टाइम पे गंगा निकलती है, तो हम यहाँ पे नहाते थे, मतलब झरने टाइप पूरा पानी पानी होता था यहाँ पे। यहाँ पे काफी झूले भी थे, अब तो कोई झूला है ही नहीं। इसमें ना बहुत सारे सिक्के फेंकते थे हम लोग। हाँ, इसमें सिक्के फेंकते थे। अब पता बस मेरा क्या मन करता था, जब हम सिक्के फेंकते थे पानी से भरा रहता था, उनकी जटा में से पानी निकलता था। और मेरा मन करता था कि यार ये सिक्के कौन लेके जाएगा। तब हम छोटे छोटे हुआ करते थे। तो ये पीछे पूरा पानी भरा हुआ है। छठ पूजा पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पूरे में पानी भर देते हैं। जगह पानी पानी था, वो इतना प्यारा वाटर था। और यहाँ ऊपर इनकी जटा में से पानी निकलता था, शाम के टाइम निकलता था। अब तो वो भी बंद कर दिया। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, पूजा करने के लिए। झूले भी हटा दिए अब तो, झूले में से इतनी बार गिर रहे थे, टशन मारने के स्टाइल में बिल्कुल झूला झूलते थे। हम तो पंकज में वहाँ पे चढ़ते, वहाँ पे जा जाके नहाते थे ऊपर ऊपर। और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे घास भी नहीं काट रखे लॉकडाउन के बाद पूरा, मतलब ये बहुत खंडर टाइप सा हो गया है, मतलब पर अभी भी अच्छा लगता है। बट साफ सफाई रखनी चाहिए अभी भी इन लोगों को यहाँ पे, ये बहुत सुंदर मंदिर है। ये देखिए कितनी सफाई है, मेरे साथ क्यों होता है।
तो पूरा सूखा है ये, फिर पानी जम भी तो जाता है, फिर कहाँ। पहले कितना शौक था ना क्या पेड़ पे फोटो खिंचवाओ, ऊपर बंदर है बैठता। फोटो खिंचा देते और पेड़ के ऊपर बंदर आ गया। इसके जस्ट पीछे था, मैं बताती नहीं तो इसके सर पे बैठ जाता बंदर। मजे आ गए और ये सारी चीजें इसके साथ ही होती हैं। तो अभी अभी बंदर से बच के भाग गए। नीचे यहाँ घास नहीं है, कुछ पड़ा ना हो बस। यहाँ पे गड्ढे भी है बहुत सारे। इस पूरे पार्क में हम लोग पकड़न पकड़ाए, छुपन छुपाए, पता नहीं क्या क्या खेला करते थे। रोज शाम को आते थे फैमिली के साथ खाना खा के। और इसको बंदर, इसके सर पे भी बंदर बैठ जाता, मजे आते। तो हमारी पूजा भी हो चुकी है और कोमल को उसके दोस्त भी मिल चुके हैं। तो अब हम उसके दोस्तों को विदा करते हैं और घर की तरफ चलते हैं। चल पे कहीं भी अटक जाए। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ। मम्मी टीका तैयार कर रही है और खीर बनाई होगी मम्मी ने, और टीका लगाऊंगी और मेरा बर्थडे हो गया। हेलो बर्थडे गर्ल, कैसा चल रहा है बर्थडे? ये भाई हम तो ऐसे मनाते हैं बर्थडे गरीब लोग। केक नहीं खाया तूने अभी तक? केक तो खिला दे, केक खाए। क्या पन्नियां निकाल रही है? ये खा ले। तू खा ले। पहाड़ी लोगों का बर्थडे तो ऐसे ही होता है हमारा तो। हमारी तो मम्मी खीर बना दी होगी। क्या बना रहे हो बहना के बर्थडे में? चावल और चटनी। चटनी और खीर। पकौड़ी भी बनाओगे? बस हो गया, चटनी भी बना ली। अच्छा, किसकी चटनी? नींबू की। अच्छा, पुदीना लगा रखा है। पुदीने की चटनी बन रही है भाई, यहाँ पर पुदीना लगा रखा है। क्या पी रहे हो? कॉफी। सफाई देवी, चल सफाई कर, अच्छे से कर, अच्छे से सफाई कर, घर से निकाल दी जाएगी वरना। कोने कोने से। अभी तो बर्तन धोने बाकी है, अभी कहाँ सो रही है। मारो इसको, बर्तन नहीं धो ढंग से। पहाड़े की चली ले, कब नहीं खाया दिरोटा सुख ले। रात उठी भण मैं जी, फिर बर्थडे मानू ना। तो दिए बर्तन। अब कौन सा काम बचा है? सोने का। मम्मी तुम लाइव हो, लोग देख रहे बहुत सारे।
की कथा हेलो एवरीबॉडी ये आ गए इनके दोस्त अपने भानो चुमार के दोस्त आए हैं दोनों कनिका और उसकी कोमल फेवरेट भावना तो पता नहीं है इन्होंने देखो ये डेकोरेशन कर दिया क्या क्या भावना तो बताया अभी नहीं बर्थडे प्लान इनका शुरू से ही था शायद में और अंकल को भी पटा लिया इन्होंने बोला हमारे साथ रहो भावना को सरप्राइज देते हैं और ये आंटी हमारे खाने की तैयारी कर रही है कोफ्ते पहाड़ी रायता मुझे बहुत पसंद है और ये दाल चावल और ये फेवरेट खीर खीर ठंडी खाएंगे मैं तो ठंडी खाऊंगी बाकी का पता नहीं तो हमारा पहाड़ी खाना आ गया तीनों का देखो मतलब मुंह में पानी आ जाए हाय आंटी और ये भुक्कड़ सबर नहीं हुआ इसे और ये खाने देना अच्छा छुपाया पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों देख सकते हैं आप कोमल टूर कनिका के साथ भावना रिपोर्टर यहाँ पर चेकिंग हो रही है फोन नहीं मिल रहा है उनको पता नहीं फोन कहाँ है मैं जेब भी चेक कर लिए इन्होंने पर इनको अभी फोन नहीं मिला इन्हें 2 साल बाद फोन मिला था है ना कनिका जी 1 साल हो गए ओ माय गॉड बाबा हो ठीक गमलों में ढूंढा जा रहे हैं उस साइड ढूंढ के देख ले क्या पता मिल जाए अरे तो दोस्तों कनिका का फोन उसे मिल चुका है कोमल और मैंने प्रैंक करा था उसके साथ उसे लगा उसका फोन सच में खो गया है तो मेरा बर्थडे ही पे खत्म होता है क्योंकि अब कोमल मैं और कनिका कोमल के घर जा रहे हैं और हम वहाँ पे भूतिया मूवी देखेंगे रात को तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बर्थडे विशेस के लिए काफ़ी लोगों ने मेरे को विशेस दिए बर्थडे पर और बहुत से लोगों की मैंने स्टोरी लगाई उसके बाद ही मेरा इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन लेना बंद कर दिया उसने क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज मेंशन हो गई थी मेरे को तो वो उसके बाद लोड ही नहीं हुआ आगे तो उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी स्टोरी मैं नहीं लगा पाई जिनकी DMs मैंने चेक नहीं कर पाई तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो आप सभी लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है और आशा करती हूँ कि आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूं और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहो तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ये भी बोलना होता है शायद इसलिए बोल दिया तो ठीक छुपे मिल लूँ आप हैगिल दुहर वीडियो में और तब तक कहते हैं बाय बाय और तब तक आप प्यार देते रहे कमेंट्स में मैंने पढ़े आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करा और बोला कि आगे भी आप ब्लॉग बनाओ तो ठीक छू